OBS स्टूडियो का एक लेटेस्ट नया वर्जन आ चुका है, OBS स्टूडियो 30, और इसके अंदर बहुत ही कमाल के नए नए फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। आज के वीडियो में आपको मैं ऐसे कुछ फीचर्स बताने वाला हूं जो फीचर्स मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगे हैं OBS स्टूडियो 30 के अंदर। तो सबसे पहले हमें जाना होगा अपने PC पर, और यहां पर आपको अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। जैसे ही हम OBS स्टूडियो को ओपन करेंगे तो आपको यहां पर एक इस तरह का पॉपअप देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो OBS स्टूडियो 30 को अपडेट करने के लिए बोल रहा है कि आप इसका लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर लो। यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे नए फीचर्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। इसके अलावा OBS स्टूडियो 30 के अंदर जो नए फीचर्स ऐड हुए हैं उनकी सारी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा नीचे की साइड आप देखोगे तो इस सिस्टम के अंदर OBS स्टूडियो का जो नया लेटेस्ट वर्जन है इसके अंदर बहुत सारे जो बग्स हैं वो भी यहाँ पर फिक्स कर दिए हैं। तो इसके अंदर जो सबसे बढ़िया बढ़िया फीचर मुझे लगे हैं वो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहां से आप अपने OBS स्टूडियो को अपडेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके OBS स्टूडियो में इस तरह का पॉपअप मैसेज दिखाई नहीं दे रहा है और आप चाहते हो OBS स्टूडियो को अपडेट करना, तो उसके लिए जब आप OBS स्टूडियो को ओपन करते हो तो ऊपर की साइड यहां पर आपको एक हेल्प का बटन देखने को मिलता है। हेल्प के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब नीचे की साइड यहां पर आप देख रहे हो यहां पर आपको एक चेक अपडेट का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको चेक अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक अपडेट पर क्लिक करोगे यहां पर इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी और नीचे आप देख रहे हो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। आपको अपडेट पर क्लिक करके OBS स्टूडियो का जो लेटेस्ट वर्जन है OBS स्टूडियो 30 इसे आपको यहां पर इंस्टॉल कर लेना है। इस तरह से कुछ सेकेंड में ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है लॉन्च OBS, तो आपको लॉन्च OBS पर क्लिक कर देना है। तो यहां पर हमारा OBS स्टूडियो अपडेट हो चुका है। ऊपर आप देख रहे हो OBS स्टूडियो 30 यहां पर आ रहा है। तो यहां पर जो सबसे पहला फीचर है जो मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगा वो है इसका स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमें फुल हाइट डॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी जो हमारे डॉक्स होते हैं उन्हें आप फुल हाइट में लगा सकते हो। जैसे यहां पर आप देख रहे हो इस तरह के ऑप्शन है, जैसे ये कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है, सीन ट्रांजिशन का ऑप्शन आ रहा है, ऑडियो मिक्सर का ऑप्शन आ रहा है, सोर्सेज का ऑप्शन आ रहा है, सीन का ऑप्शन आ रहा है, बेसिकली ये सारे डॉक्स हैं। अब इन्हें आप फुल हाइट में लगा सकते हो। मैं आपको लगा के दिखाता हूं। जैसे ये सीन वाला डॉक है तो इसे आप इस तरह से यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, और मान लो मैं यहां पर साइड में इसे लगाना चाहता हूं तो आप देख रहे हो आपको यहां पर फुल हाइट का ऑप्शन अब देखने को मिल जाता है। पहले वाले जो OBS स्टूडियो था उसमें आपको फुल हाइट का ऑप्शन नहीं मिलता था, तो यहां पर फुल हाइट डॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, यानी अब आप फुल हाइट में वर्टिकली भी इन सोर्सेज को, इन डॉक्स को लगा सकते हो। जैसे हमारा मान लो ये ऑडियो मिक्सर है, ऑडियो मिक्सर को मैं वर्टिकली लगाना चाहता हूं तो यहां से मैं सिर्फ इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। मान लो इस साइड में इसे रखना चाहता हूं वर्टिकली तो यहां पर मैं लगा दूंगा। इसी तरह से जो भी आपको कंट्रोल वगैरह लगाना हो, कंट्रोल को भी मैं साइड में यहां पर लगाना चाहता हूं तो इस तरह से मैं लगा सकता हूं। तो जो वर्टिकल फुल हाइट का ऑप्शन इसके अंदर मिल गया है ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, यानी आप इसके स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। साइड में जहां भी आपको इस तरह से लगाना हो वो आप सारे इस तरह से लगा सकते हो। काफ़ी यूजफुल फीचर है। जैसे मान लो आपने बहुत सारे सीन्स यहां पर क्रिएट कर रखे हैं तो ये सारे के सारे सीन्स आपको यहां पर देखने के लिए इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके तब देखना पड़ता था, लेकिन अब आप चाहो तो इसे वर्टिकली इस तरह से लगा सकते हो जिससे आपके सारे के सारे सीन्स यहां पर विजिबल हो रहे हैं और आप आराम से इन्हें स्विच कर पाओगे। इसी तरह से जो आपकी ऑडियोज हैं वो सारी ऑडियो आपको यहां पर इस तरह से दिख जाएंगी। जैसे वर्टिकल आपने इस तरह से फुल हाइट में अगर इसे लगा दिया तो आपके पैनल के जो भी वॉल्यूम वगैरह हैं वो आपको लगातार दिखते रहेंगे, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरा ऑप्शन मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगा वो है YouTube लाइव कंट्रोल रूम को इसके अंदर बिल्ट इन कर दिया गया है। YouTube के लाइव कंट्रोल पैनल को यहां पर देखने के लिए आपको जाना है डॉक्स पर। यहां पर जो डॉक्स का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। आप यहां पर नीचे की साइड देखोगे एक नया फीचर यहां पर ऐड हो चुका है, YouTube लाइव कंट्रोल पैनल। आपको यहां पर YouTube लाइव कंट्रोल पैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो YouTube लाइव कंट्रोल पैनल आपका यहां पर दिखाई देने लगेगा, यानी आपको अपने YouTube की जो ID है उससे आपको यहां पर लॉगिन कर लेना है और उसके बाद जब भी आप लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करोगे
आपके YouTube लाइव कंट्रोल रूम की फीड यहां पर आपको दिखाई देने लगेगी। यहां से आपको अपना YouTube चैनल को लॉगिन कर लेना है। ट्रायंगल गेमर मैंने यहां पर लॉगिन कर रखा है। मैं यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करके आपको दिखाता हूं। स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर मैं क्लिक कर देता हूं तो आप देखोगे जो हमारा लाइव कंट्रोल रूम है, लाइव स्ट्रीमिंग हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो आपको अलग से अपने यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम में नहीं जाना है, आपको यहीं से पता लग जाएगा कि आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसका स्टेटस क्या है। अब आप देख सकते हो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग का टाइटल यहाँ पर शो हो रहा है और लाइव स्ट्रीमिंग का स्टेटस क्या है, एक्सेलेंट है। इसके अलावा करेंट व्यूअर्स क्या है, चैट रेट क्या है, व्यूज़ क्या है, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। आपको अलग से YouTube पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो YouTube चैट को भी यहाँ पर लेके आना तो यहाँ पर डॉक्स पे जाना है आपको और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा YouTube चैट, चैट YouTube, चैट YouTube का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दो तो चैट YouTube यहां पर ऑप्शन आ रहा है। चैट YouTube पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहां पर दिखाई दे रही है जो YouTube पर इस समय चल रही है। उसका आप लेटेस्ट यानी उसका आप लाइव अपडेट यहां देख सकते हो, किस तरह की क्वालिटी आ रही है, क्या आ रही है, वो सब आप देख सकते हो। इसके अलावा पूरा चैट बॉक्स आपको यहां दिख जाएगा, यहीं से आप चैट को पढ़ सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो, वो सारा ऑप्शन आपको यहां देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहां से लाइव कंट्रोल पैनल आपका दिखता रहेगा। और अगर हम इसके तीसरे फीचर की बात करें जो मुझे सबसे बढ़िया लगा वो है इसका स्टेटस बार। यहां पर आप नीचे देख रहे हो जो इसका स्टेटस बार है इसे रीडिजाइन किया गया है। यहां पर काफ़ी क्लियर क्लियर और काफ़ी डिटेल आपको देखने को मिलेगी, जैसे जो ड्रॉप फ्रेम है वो दिखाई दे रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग की क्वालिटी यहाँ दिख रही है, कितने kbps यहाँ पर आ रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ड्यूरेशन आ रहा है, साथ ही साथ CPU यूजेज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, FPS यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहले से काफ़ी बेटर इसे कर दिया गया है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके चौथे फीचर की जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा वो है macOS अपडेट। तो यहाँ पर जब हम सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं उसके बाद जनरल में जब आप जाओगे तो यहाँ पर विंडोज़ के लिए पहले से ही ये फीचर उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड OBS विंडोज़ फ्रॉम स्क्रीन कैप्चर। जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो आप विंडोज़ के अंदर पहले भी इसे यूज़ कर सकते थे, जब आप इस पर टिक कर दोगे तो आप OBS को हाइड कर सकते हो, यानी जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे तो उसमें आपका OBS दिखाई नहीं देगा। तो अब ये फीचर मैक के लिए भी उपलब्ध हो गया है, यानी मैक यूज़र भी अब इस फीचर को यूज़ कर पाएंगे। तो ये भी काफ़ी यूजफुल फीचर मुझे लग रहा है। इसके अलावा OBS में सेफ मोड का ऑप्शन भी यहाँ पर दे दिया गया है, यानी सेफ मोड में अगर आप OBS को यूज़ कर रहे हो तो OBS मान लो क्रैश हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है तो आपका जो डेटा है वो डिलीट नहीं होगा। आप दोबारा से सेफ मोड में अगर OBS को यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी सुरक्षित महसूस करोगे। तो OBS स्टूडियो 30 के अंदर आपको इस तरह के कुछ नए फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा छोटे छोटे और भी चेंजेस इसमें किए गए हैं। बाकी जो फीचर्स मुझे बढ़िया लगे थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर वर्चुअल कैमरे की मैं बात जरूर करना चाहूँगा। यहाँ पर जो वर्चुअल कैमरा का ऑप्शन आता है, वर्चुअल कैमरा का जो ऑप्शन आ रहा है इसके आगे सेटिंग के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब आपको इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे आउटपुट टाइप और आउटपुट सिलेक्शन। आउटपुट टाइप में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप चाहो तो प्रोग्राम विंडो को आउटपुट में सिलेक्ट कर सकते हो, प्रीव्यू को आप यूज़ कर सकते हो, सीन को आप यूज़ कर सकते हो, सोर्स को आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कोई सोर्स यहां से सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहां पर आउटपुट सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन से सोर्स को आप वर्चुअल कैमरा के ऊपर दिखाना चाहते हो, वो ऑप्शन भी आपको यहां मिल जाता है। इसके अलावा यहां पर सोर्स की जगह आप चाहो प्रीव्यू को यूज करना है तो आप प्रीव्यू को सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा OBS स्टूडियो 30 के अंदर बहुत सारे नए फीचर्स यहां पर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। इसके अलावा काफी स्टेबल वर्जन है, सेफ मोड भी इसके अंदर आ चुका है। तो आप फटाफट से इसे अपडेट कर लीजिए, OBS स्टूडियो 30 को अपडेट करके यूज कीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।